एक मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस क्रिमिनल अपील विंग नंबर 1303965/2020 केस टाइटल रवि कुमार रोशन वर्सेज डॉक्टर एपी सिंह वकील द्वारा भरे गए दोषी की ओर से सीबीआई के माध्यम से राज्य ये अपील सीबीआई और स्पल द्वारा किए गए न्याय का बड़ा गर्भपात साबित होगी। राजनीतिक दबाव के कारण जज साकेत आज बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जिसका ट्रायल साकेत कोर्ट में हुआ था और जिसमें सजा की थी उम्र कैद और विभिन्न धाराओं में सजा की थी, आज मैंने दिल्ली उच्च न्यायालय में बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आरोपी की तरफ से अपील फाइल कर दी है। जो सजायाफ्ता कैदी है, तिहाड़ जेल में है, उनकी तरफ से उसमें मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हमने अपनी अपील में प्रूव किया है कि किस तरह से ट्रायल कोर्ट ने पॉलिटिकल प्रेशर, मीडिया प्रेशर के चलते जिस तरह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ, मूल बातों को, जो डिफेंस एविडेंस थी, जो तथ्य थे, जो सबूत थे, जो ऑफिसर्स थे बालिका गृह के, जो वेलफेयर के लिए कर रहे थे, जिन्होंने वेलफेयर के लिए रिटर्न में दिए सब कुछ, उनको किस तरह से आरोपी बना दिया गया और आरोपी के बाद सीबीआई जांच के बाद ट्रायल में उनको दोषी बना दिया गया और वो तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। ये सारी बातें, सारी दलीलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। डिफेंस एविडेंस को नजरअंदाज किया गया, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज को नजरअंदाज किया ट्रायल कोर्ट ने, चार्जशीट के जो फैक्ट्स थे, एविडेंस जो सामने आई है, एविडेंस में कहीं कहा भी जो पीड़िता है, पीड़िता ने नहीं कहा उनके साथ ऐसा हुआ, उसकी भी सजा दोषियों को दी गई और उसकी सजा भी दोषी तिहाड़ जेल में काट रहे हैं। इन सब बातों, इन सब दलीलों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट को भी ये चीज सोचना चाहिए कि मीडिया ट्रायल का मतलब पॉलिटिकल प्रेशर जिसमें हो जाए, जिसमें संसद भवन में बात उठने लगे, जो विधानसभा में गूंजने लगे, जिसमें पटना हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हो जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि न्याय की अवधारणा ही खत्म हो जाए। एसएचयू जस्टिस फॉर ऑल न्याय सबके लिए है, होना चाहिए, दिखना चाहिए। और ये सब बातें मैं माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड केस में आरोपियों की तरफ से उठाऊंगा, इसीलिए मैंने इसमें क्रिमिनल अपील आज फाइल कर दी। सनसनीखेज खबरों के लिए जुड़े रहें आज का मुद्दा के साथ, और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।